Subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. अपनी ही करनी का फल हैं नेकियां रुसवाइयां, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां। गफूर भाई एक मिनट भाई, वो प्रकाश को शूट कर दिया। क्या बात कर रहा है? प्रताप, प्रकाश, प्रकाश को मार दिया है। एक आदमी का नाम चाहिए, मौके पे कौन कौन था, गोली किसने चलाई और प्रकाश को वहां ले जाने वाला कौन था, सब सब के सब डिटेल चाहिए मुझे अभी। आप फिक्र मत करो रमन भाई, सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छा नहीं किया उन लोगों ने सब शुरू करके। शुरुआत तो तुमने की है रमन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कान्हैया पठान से लफड़ा शुरू मत करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि भोरी मंदिर का इलाका उसके पास है, फिर क्या जरूरत थी अपने आदमी वहां भेजने? क्यों ना भेजे, क्यों ना भेजे? वो हमारे एरिया में घुस सकता है, हम नहीं घुस सकते। बहुत हो गया गफूर चाचा, हम मैं उस कान्हैया को ऐसा सबक सिखाऊंगा। रमन, उसको सबक बाद में सिखाना, पहले कमिश्नर से बात करो। प्रकाश खास आदमी था हमारा, पहले उसकी बॉडी हमें मिलनी चाहिए। पर साहब, उसके लिए बॉडी क्लेम करना पड़ेगा,
और पुलिस को बताना पड़ेगा कि प्रकाश अपना आदमी है और फिर तो बता पुलिस वालों को कि वो हमारा आदमी था। कोई कुत्ता नहीं था वो जो सड़क पे पड़ा रहेगा। हमारे बेटे जैसा था वो। उसके घर वालों को उसकी लाश मिलनी चाहिए कपूर। उसका क्रियाकर्म हम करेंगे। और देख पापा हेलो कौन? हाँ रामा शेट्टी बोल। भैया मालूम पड़ा? एक मिनट रमन भाई। भैया अरे यार हाँ बोल तू उधर ही रुक। साला एक के बदले चार को नहीं मारा तो रमन नाम नहीं मेरा, प्रकाश को मारा है सालों ने। तू वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जाके बैठ अपने कमरे में। भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी क्यों? ये मौत का खेल फिर से शुरू हो गया। शांत हो जाओ मेरी बच्ची, बस भाई वो यहीं रहता है। अपने सलीम ने बोला था कि इसी ने गोली चलाई। अबे ओ डिस्को, इधर मरने को आया है क्या? अबे बंद करना ये। इधर मुन्नी भाई का मुजरा हो रहा है क्या? ए ए ढक्कन खिड़की खोल। अबे ग्लास बोल बोला तेरे को यारे शाने समझ में नहीं आता। In this equation, E stands for the energy released into constant square, where the constant is the speed of light in a solid element. So in the equation, E is equal to mc square, where the atoms are so close. अरे तो क्या करें हम लोग? जान दे दे तुम्हारे पति के लिए। मार डाला मेरे पति। तुम क्या समझती हो हमें दुख नहीं है उसकी मौत का? अरे तुम अकेली हो क्या उसके गम में? कानिया पठान के एक इशारे पे उसने प्रकाश को उड़ा दिया, मेरे प्रकाश को। सगे भाई से बढ़कर था मेरे लिए वो। अरे कुत्ते की तरह घसीट के मारा है मेरे प्रकाश के कातिल को, खुद जाके मारा है खुद। आपके बदला लेने से मेरा हाथ भी तो वापस नहीं आ जाएगा ना साहब। आधे घंटे में वापस लौट कर आपको फोन कर गया था। मुझे क्या मालूम था कि मैं दोबारा उसकी शक्ल ही नहीं देखूंगी। अरे यार ये समझते ही नहीं है, क्या करे उसके लिए? रमन तक ये सब चलता रहेगा भाभी, कब तक? तो इन सब बातों पर ध्यान मत दे। जा, अंदर जाकर अपने कमरे में पढ़ाई कर। पढ़ाई? पढ़ाई तो कॉलेज में की जाती है भाभी, जिसकी शक्ल मैंने अभी देखी भी नहीं। क्या इस माहौल में जीना भी कोई जीना होता है भाभी? ना हम अपनी मर्जी से कहीं जा सकते हैं और आ सकते हैं। क्या हमेशा इस बंद पिंजरे के अंदर से देखते रहेंगे बिना कुछ सोचे बिना कुछ कहे? पगली
तुझे ये सब हमेशा थोड़े ही ना देखना है। तू तो मेहमान है इस घर में। थोड़े ही दिनों बाद एक राजकुमार आएगा और इस पिंजरे का दरवाजा खोलकर पूरी धूमधाम के साथ तुझे अपने साथ ले जाएगा खुले आसमान में।
कुछ हम में ऐसी बातें हैं वो सब में है कहा जीतेंगे ये जहां जीतेंगे ये जहां हम ऐसे हैं जवां पत्थर को दे ज़बान
रमन भाई वो सपना भी यहीं कहीं पे होगी वो। चलो चलो देखते हैं, आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो नहीं छोड़ेंगे उसे। लड़की हाथ में आई तो कान के गोनी में डालकर फेंक देंगे। चलो 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 तू इस तरफ जा, तू इस तरफ जा, आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो देखते हैं। बचपन की सहेली है इसकी, अगर उसकी शादी में न जाती तो बुरा लगता। तू बीच में मत बोल। किसकी इजाजत से गई थी तू? बोल किसकी इजाजत से गई थी तू? बोलती है या तू है कुछ? सपना इधर आ। क्यों गई थी मुझसे पूछे बिना? अगर कुछ हो जाता तो? जितने दिन तूने जिंदगी में नहीं देखे उससे ज्यादा दुश्मन है तेरे बाप के शहर में, जानती है तू? सहेली की शादी में जाना तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारा हो गया, हमारी इज्जत से ज्यादा प्यारा हो गया। आज के बाद तू इस घर से बाहर नहीं जाएगी, सुना तूने? अब जाओ और जाकर अपने कमरे में जाकर बैठो, जाओ। ये सब तुम्हारा किया कराया है, तुम्हें मालूम था कि वो घर से बाहर जा रही है, फिर भी तुमने उसे नहीं रोका। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो पहले ही गोली में तेरे सीने में मारूंगा। और तू इधर आ, गाड़ी किससे पूछ कर दी तूने? कहानियां इस बार हद से गुजर गया है प्रताप, खत्म कर दे साले को। इस वक्त उस पर वार करने से ज्यादा जरूरी है उसके अगले वार से बचना। हमारे धंधे में किसी एक की कमजोरी दूसरे की ताकत बन जाती है। कानिया की नजर हमारी कमजोरी पर पड़ चुकी है, उससे निपटने के लिए हमें अपनी कमजोरी को अपने से दूर करना पड़ेगा। मतलब? तो फोन लगा लंदन, हसमुख पटेल से बात कर, उसे कह के उसके सबसे खास दोस्त ने उसको याद किया है, उसे बोल कि सारे काम काज छोड़कर अपने बेटे को लेकर यहां चला है। मैं सपना और ऋषभ का रिश्ता पक्का करना चाहता हूं कपूर, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी शादी करके
ये माहौल, ये शहर, ये देश छोड़कर कहीं दूर चले जाए। डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, चारों बाजू से गोली चल रहा था शेट्टी भाई, एकदम अपनी हिंदी फिल्म के माफिक। पर अपन थोड़ी ना चुप बैठने वाला था शेट्टी भाई, जैसे ही अपन ने लड़की का आवाज सुना, अपन ने अपना बाइक स्टैंड पे लगाया और रुक, मैं देखता हूँ। और ये बोलकर मैंने इसको पीछे किया और मैं खुद कूद गया मैदानी जंग में। और ये चुप रह, एक मिनट, अपना हीरो रोहित किधर है? तुम्हारा स्टोरी में नजर नहीं आता, स्टोरी गड़बड़। अरे यही तो अफसोस की बात है कि वो उस वक्त भी नजर नहीं आ रहा था। अरे जैसे ही उन्होंने अपनी बंदूक निकाली वो तो गोली की तरह वैसे गायब हो गया। अरे वो तो मैं था, मैं जिसे ओए चुप कर ओए, मैं था ना। सच बात तो ये शेट्टी भाई, गोलियों की आवाज सुनते ही ना हम सबकी तो तह निकल गई थी। वो तो अपना रोहित था जो अपनी जान पर खेलकर भिड़ गया उन सबसे। लड़की तो बच गई यारो, मगर लगता अपना दोस्त फंस गया। परताप डौला क्या का बैट पे है जान लेवा आमला, लेकिन कोशिश नाकाम रही। कल रात 11:30 लिंक रोड पे अनजाने लोग कार पे हमला किया और डौला क्या के बेटे सपना को उठा। ऐसे को क्या हो रहा है? नाम पता तो मिल गया, अब उसे मिलने का कोई आइडिया सोचना पड़ेगा। सोच। ए, अरे ब्रेक मार यार, ब्रेक मार। तुझे पता है वो ढोलकिया कौन है? पता है कौन है? कौन रहो? अपने सैंडी की तरह ढोल बजाता है क्या? ढोल बजाता नहीं, ये ढोल फाड़ देता है। अरे अंडरवर्ल्ड का डॉन है, डॉन। डॉन मतलब के लाइफ गॉन। रोहित मेरे को है ना तेरी लाइफ स्टोरी में बिगनिंग टाइटल के बाद सीधा डीएन का पार्टिया नजर आता है। शुरुआत हुई कि नहीं, फिनिश पहले नजर आता है। क्या रे तुम बोलता तुम्हें? कौन फिनिश हो गया यार? यह देखने का है, यह देख। ओए तो लगिया, ओ यार इसके घर पे तो मैं बैंड बजा चुका हूँ नवरात्रि में अपने इमरान भाई के ग्रुप के साथ। आई अम्मा, ओ मत्था क्यों पिट रहे हो? अबे संडी आइडिया। ओ केड़ा आइडिया? ओए सपना से मिलने का यार, सुन। सपना? ओ कौन सपना? अबे ढोलकिया की बेटी यार। ओ तू उससे क्यों मिलना चाहता है? अबे सैंडी मेरी शक्ल देख यार, जब से उसे देखा मैं सोया नहीं हूँ यार। ओए अब समझा, ओ दोबारा मिलेगा ना तो जागेगा नहीं, हमेशा के लिए सुला देगा उसका बाप। सैंडी यार, सैंडी यार मेरी गल सुन यार। देख तुझे उन लोगों से मेरी जान पहचान करानी है बस। ओए ओ जान पहले लेते पहचान बाद में बढ़ाते हैं, भूल जा तू। दो दिन बाद नवरात्रि है और 2 महीने बाद एग्जाम है। अब तेरे बिना मैं तो किसी ना किसी तरह उसके घर तक पहुंच जाऊंगा, पर तू मेरे बिना एग्जाम में पास नहीं होने वाला। बेकार में अपने गांव जाना पड़ेगा और अपने प्यो देनाल ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा। नहीं, बात समझ में आई? ओए और तेरे साथ रह के गोली खाने से तो अच्छा है मैं वहां जाकर ट्रैक्टर चलाऊं। मैं तेरे चक्कर वक्कर में आने वाला नहीं। सैंडी मेरी बात तो सुन यार, तू कैसा दोस्त है यार? ओए किधर गया? ओए जा, ओए जा सैंडी। अरे मैं, अरे मेरी बात तो सुन यार। अरे एक मिनट, ओए सिंपल मैं तेरी तो कैमरा नहीं चला रहा है। तेरे पैर पकड़ रहा हूं अब तो मान ले यार प्लीज। अरे पैर पकड़ रहा हूं यार तेरा। ओए और तेरे पैर पकड़ने के चक्कर में मेरा सिर कट जाएगा। ठीक है मैं इमरान भाई से कह के कुछ चक्कर चलाता हूँ। यार इसको बजाते कैसे यार? सुन लेफ्ट वाला ज्यादा हिलाना और राइट वाला कम, समझा? सैंडी हाँ, कहीं दिख रही क्या? मैं तो अंधा हो गया हूँ,
हे जगदम्बा माँ, हर साल की तरह इस साल भी अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के इस पावन मौके को शुरुआत का अवसर दे, आशीर्वाद दे माँ कि नवरात्रि की 9 रातें हम हंसते खेलते खुशी मनाते बिता सके। बोलो जगदम्बा मात की, अंबे मात की, दुर्गा मात की। तू बीच में उठ के क्यों चली आई? पूजा तो खत्म हो गई थी, फिर क्या करती? पूजा खत्म हुई है, मजा तो खत्म नहीं हुआ। आप जाइए भाभी, मेरा जी नहीं कर रहा। तू चल तो सही, जी अपने आप लग जाएगा। पूरे साल में यही 9 दिन तो मिलते हैं जहां हम बिना किसी रोक टोक से सबसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, गा बजा सकते हैं। भाभी आप जाइए, मेरे सर में दर्द है, प्लीज। जैसे तेरी मर्जी। वक्त उसका है, इंट्रोडक्शन सीन शुरू हो गया। यमराज की नजर पड़ी तो क्लाइमेक्स भी हो जाएगा। उस रात के लिए थैंक्स। इस रात के लिए थैंक्स। तुम बैंड में काम करते हो?
करना पड़ा तुम्हारे लिए। डैडी बुला रहे हैं। का ये लाइव चैनल भी है जो 24 घंटे चालू रहता है और तेरे पापा के पास इसको रिपेयर करने का कोई तरीका नहीं है पिछले 25 साल से। पर डैड आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे जरूरत को छोड़ यार, इधर आ। ओए बात बता, ये तो शनि की बजाय आज बुध को और शाम की बजाय सुबह, क्या चक्कर क्या है? बस यूं ही डैड, यू नो, सोचा कि माँ के हाथ को कुछ खा ही ले। अरे अभी तुझे आए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए और तू वापस जा रहा है? मैंने अभी तुझसे ढंग से बात भी नहीं की बेटा। अच्छा सुन, हाँ इसमें पूरी और सब्जी है तेरे दोस्तों के लिए, हाँ, और इसमें मठियां हैं, और हाँ इसमें बेसन के लड्डू हैं, और ये आम का अचार, और हाँ ये शहद है, रोज सुबह नींबू निचोड़ के। अरे अरे अरे, बेटे को हॉस्टल भेज रही हो या बेटी को ससुराल के लिए विदा कर रही हो? इतना सब दहेज कैसे उठा कर ले जाएगा ये? चल पता, चल मैं छोड़ देता हूँ। बंद नहीं हो रहा। ला, 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 मैं डाल लूंगा। हाँ आजा आजा भाई, आजा, नहीं और दे देगी ये। माँ ख्याल रखना। चलता हूँ डैड। जो बात करने आया था वो बात किए बगैर चला जाएगा? ओए बापू मैं तेरा, इस गोद में बड़ा किया है तुझे, बोलना भी नहीं आता था ना तब भी तेरी जुबान समझता था मैं, और आज भी तुझे समझने के लिए तेरे शब्दों की जरूरत नहीं है मुझे। ओए तुझे तो सीने से लगाते ही मैं समझ गया था कि तेरे दिल में क्या है। कौन है वो लड़की? ओए बस, तो जल्दी से जल्दी उसे हकीकत में बदल दे। हाँ डैड, लेकिन अरे यार, इस लेकिन का रिश्ता तो प्यार के साथ सदियों से चला आ रहा है। जब भी प्यार करने वाले दो दिल एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं, ये साला लेकिन दीवार बन के बीच में आ खड़ा होता है, कभी किसी शक्ल में तो कभी किसी शक्ल में। लेकिन प्यार में जीत उसी की होती है बच्चू, जो रास्ते में आने वाली हर दीवार को गिरा दे। तो दिल के मामले में दिल से काम ले बेटा, और कूद जा प्यार के मैदान में। चोरी चोरी मिलन ऋत आई रे,
की तोरी बजी शहनाई रे ओरी करी चलरी चरी चरी मिलन रुत आई रे
धरती कमर हलट बांधो इस पे नजर का पट्टू हिल गए धरती यार मार नहीं झटके अरे हिंडारू पिंडारू तेरी चलती कमर हलट बांधो इस पे नजर का पट्टू हिल गए धरती यार मार नहीं झटके नजर कपट हिल गई धरती यार मार नहीं झटके एक दो तीन चार चार गवारू टंटर तू पागल सबको मत बना जवाब नहीं तेरा करिए हिंडारू पिंडारू तेरी चलती कमर है लट्टू बांधो इस पे नजर कपट हिल गई धरती यार मार नहीं झटके गलती हमारी है शायद हम ही हमारी औलाद को अच्छे बुरे में फर्क करना नहीं सिखा पाए जिस आदमी ने हमारी बच्ची की जान बचाई उसी पे हाथ उठा दिया तुमने अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं साहेबजादे चलिए माफी मांगिए इनसे सॉरी गलती से हाथ उठ गया अरे नहीं नहीं उल्टा अच्छा हुआ हाथ उठा वरना कहीं बंदूक बंदूक उठ जाती तो मैं तो, तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का मौका ही नहीं मिलता क्या नाम है तुम्हारा जी रोहित हाँ। देखो रोहित तुमने जो हमारी फूल जैसी बच्ची की जान बचाकर जो हम पर एहसान किया है उसका बदला तो मैं चुका ही नहीं सकता फिर भी मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है रख लो अरे नहीं नहीं ये सब ये आप रखिए इसकी क्या जरूरत है
रख लो बेटा, दिल से दे रहे हैं। जी मैं उनका दिल ही तोड़ना चाह रहा था सर, दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट, इट्स नॉट व्हाट आई मेंट। कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो अब एक एक बात है सर। क्या बात है सर? बात यह है कि एक्चुअली सर ये सब नवरात्रि से शुरू हुआ है सर। अब मैं समझाता हूँ सर, लेकिन आप नाराज तो नहीं होंगे ना सर? क्या शुरू हुआ है? पता नहीं सर, मैंने कभी ऐसी बात की नहीं, कोशिश करता हूँ सर, लेकिन आप नाराज तो नहीं होंगे ना? अरे नहीं होंगे यार, बोलना। सर एक्चुअली सारा चक्कर सुबह 7 बजे की क्लास का सर। सर मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि जो बैंड है ये हमारा नहीं सर, ये इमरान का है, और इमरान वो तो किसी का नहीं। शो खत्म होते गेट पर पहुंच जाता है और अपने पैसे जेब में रखकर दफा हो जाता है, और बच जाते हम जिन्हें आधी रात को नेशनल कॉलेज के हॉस्टल पहुंचना पड़ता है सर, कंजून मार्ग। अब मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मेरे पास तो बाइक है और अखिलेश भी मेरे साथ पीछे बैठ जाता है सर, लेकिन बच जाते हैं तीन सर, वो नीलेश, मधु और सैंडी सर। तो उन तीनों को बैंड से निकालना है? अरे नहीं नहीं, उनको बैंड से निकाल दिया तो अपना तो बैंड ही बच जाएगा। नहीं सर, प्रॉब्लम ये है कि मैं उनको अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकता सर। सो हम पहुंचते हैं बस स्टॉप, लेकिन तब तक लास्ट 102 जो होती है वो जा चुकी होती है, और 202 की आने की कोई उम्मीद नहीं होती सर, वो रात को सर्विस 2-2 घंटे की होती है ना। तो हम फाटक क्रॉस करके अंधेरी ईस्ट तक पहुंचे सर, लेकिन तब तक पैदल पहुंचते पहुंचते सर भूख लग जाती सर, मुझे नहीं सर, मुझे भूख नहीं लगती सर, लेकिन वो नीलेश, मधु और सैनी सर। तो फिर ऑमलेट? तो ऑमलेट चाहिए बेटा। ऑमलेट नहीं सर, व्हाट नॉनसेंस, ऑमलेट वाले तो वहां पर 2 पैकेट सर, एक बटर में बनता है और एक तेल में सर, लेकिन तेल वाला खाने से गला खराब हो जाता सर, और अगर बटर वाला खाओ तो 16 x 3 = 48 रुपए खर्च हो जाते सर। तो क्या बटर चाहिए? कैसी बातें कर रहे आप, उतने पैसे तो हमारे पास होते हैं, लेकिन सर इतने पैसे नहीं होते कि वहां से ऑटो रिक्शा पकड़कर सीधे हॉस्टल तक पहुंच पाए सर, क्योंकि ऑटो वाला साला जाने के लिए आने का भी भाड़ा मांगता है। तो सर 390 पकड़कर हम 5 बजे सुबह हॉस्टल पहुंचते सर। मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं तो 5 बजे सो के 6 बजे उठ जाता हूं सर, नो प्रॉब्लम, लेकिन 3 बज जाते हैं सर, वो नीलेश, मधु और सैंडी। करेक्ट, उनकी जो 7 बजे की क्लास है ना सर, वो मिस हो जाती सर, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। तो तुम्हें प्रोग्राम के बाद वापस जाने के लिए टैक्सी चाहिए? सर टैक्सी नहीं सर, ऑटो, ऑटो रिक्शा सर, क्योंकि मेरे पास तो बाइक है ना सीबीसी, बस वो तीनों के लिए सर, वो नीलेश, मधु और सैंडी। कमाल का लड़का है भाई। ये तो हुआ तुम्हारे दोस्तों का, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तुम्हें? हमारी बेटी की जान बचाई है, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। सर मेरे दोस्तों को मिल गया, समझो मुझे मिल गया सर, और जहां तक आपकी बेटी की जान का सवाल है तो उसकी कीमत कोई क्या लगाएगा सर। बहुत अच्छी बातें करते हो। थैंक यू सर, अब मम्मी डैडी से सीखिए सर, अब वो यहाँ पर नहीं रहते सर, लेकिन मैं यहीं पर, ये नेशनल कॉलेज है ना सर, उसी के बॉयज हॉस्टल में सर, 2nd floor 428, और अगर फोन करो तो शेट्टी है सर, वो इन्फॉर्म कर देता है, 8484448। आसान है, श्री राम जय राम जय जय राम सर, अगर वहां से कभी गुजरना हो तो आइएगा जरूर सर, मुझे अच्छा लगेगा। क्या मैं रोहित से बात कर सकती हूँ? कौन रोहित, कौन बोलते तुम? जी जी मैं सपना। कौन सपना? बोले तो रोहित वाला, हम रोहित का बेस्ट फ्रेंड है शेट्टी बोलता है। एक मिनट रुकना, आप भी बुलाता मैं। तांबे, हम बोलिए कि रोहित को बोल रहे हैं सपना। हाँ, बोलता हूँ। कुलकर्णी, हाँ बोल, रोहित को बोल सपना शेट्टी की लाइन पे है, जल्दी आ। जेकब, हाँ बोल, क्या बोल रहे हैं? रोहित को बोल शेट्टी और सपना लाइन में है। विशाल, हाँ बोल, रोहित को बोल सपना शेट्टी को लाइन मारने लिए, जल्दी आ। ए मोहित, हाँ, रोहित को बोल शेट्टी सपना पे लाइन मार रहे हैं। ए रोहित जल्दी चल, वो शेट्टी सपना पे लाइन मार रहा है। हेलो, हेलो रोहित। हाँ सपना, हाँ क्या? एक सेकंड। हेलो, हाँ सपना बोलो, यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस है सर, एक सेकंड।
हेलो हाँ सपना, तो अब क्या कह रही थी तुम? मैंने तो अब तक कुछ कहा ही नहीं। तो अब कह दो। मुझे तुम्हारी तरह कहना कहाँ आता है? बताना तो आता है। अच्छा बताओ, आजकल तुम्हें भी मेरी तरह नींद नहीं आती है ना? हाँ। आजकल तुम्हें भी मेरी तरह भूख नहीं लगती है ना? हाँ। आंखें बंद करते ही मेरी तस्वीर नजर आती है। हाँ। और जी करता है कि हम दोनों आमने सामने बैठकर बातें करते रहे, बहुत सी बातें। हाँ। लेकिन किसी भीड़ में नहीं, अकेले में, कोई ऐसी जगह जहां सिर्फ तुम हो और मैं, है ना? हाँ। तो आज रात। सपना, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। क्या ढूंढ रहे हो? आपकी हंसी कहीं खो गई है, उसे ढूंढ रहा हूं। मिल गई। आप हंसती हैं तो बहुत अच्छी लगती है। और मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे हंसाते हैं। फिर
मेरा दिल धड़क रहा है रोहित, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम यहां से चली जाओ, सपना। रोहित प्लीज। ठीक है, मेरे जाने से अगर तुम्हारा डर कम होता है तो चला जाता हूं। ख्याल से डर लगता है कि कहीं मुझे तुम्हारी आदत ना पड़ जाए। मैं जानती हूँ कि नवरात्रि के ये दिन खत्म हो जाएंगे और उसके बाद ना तुम यहाँ आ पाओगे और ना मैं इस पिंजरे से निकल पाऊंगी। पिंजरे का ताला तो उसी दिन टूट गया था सपना, जब हम दोनों पहली बार मिले थे। तुम उसे देख नहीं पा रही क्योंकि तुम्हें खुद उस पिंजरे की आदत सी हो गई है। मेरी आंखों से देखो सपना, पिंजरा खुल चुका है, तुम्हें सिर्फ उड़ना सीखना है जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा सपना, आज नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं। कुछ फिल्म समझ में नहीं आ रही। ये पिक्चर नहीं, जिंदगी है। झूठ नहीं, सच है। तो फिर सच तुम बताओ, क्योंकि मैं तो सपना हूं।
Thank you. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Thank you. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. ये लीजिए मैडम. French fries, veg burger, and coke. लेकिन रोहित हम बैठेंगे कहाँ? यहाँ तो एक भी टेबल खाली नहीं है. रोहित, क्या क्या हुआ रोहित? तुम ठीक तो हो रोहित? रोहित, रोहित, ये क्या हुआ तुमको रोहित? रोहित, तुम ठीक तो हो ना रोहित? रोहित, रोहित, क्या हुआ तुमको? बैठो, 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 बैठ, बैठ. ये अचानक तुम्हें क्या हो गया रोहित? तुम ठीक तो हो ना रोहित? खाओ ना. अरे वो तुम्हारी उल्टी सीधी पड़ गई. हाँ हाँ, यानी कि वो ए रोहित. हाय. अरे बहुत अच्छा माल है यार. कीप इट अप, कीप इट अप. रोहित, ये माल क्या होता है? माल माल माने इंसान. अच्छे इंसान को अच्छा माल कहते हैं. रोहित, एक बात कहूं तुमसे, तुम भी बहुत अच्छे माल हो. Thank you.
खुशी से धुल गया धुल गया। हम भी अपने एक दुनिया रखने लगे कि आप मुझे अच्छे लगे लगे कि आप मुझे अच्छे लगने तुम्हारे घर में रहते हुए किसी दूसरे धमाके की जरूरत है क्या? है? देख नहीं रही हो? फ्यूज तो लगा दिया मैंने। रुकिए रुकिए, उन तारों को मत छेड़िए। माँ, लगता है लाइट ही गई हुई है। रोहित, तू अचानक कैसे आ गया बेटा? तुम्हारा सपना पूरा करने आया हूँ माँ। सुन रहे हैं आप? अब आप कितना ही अंधेरा कर लीजिए, आपकी लाइट आए या ना आए, मेरे घर में तो रोशनी आ गई। तो ये है सपना? अरे अरे, ये क्या कर रही हो बेटी? हमारे घर में पैर नहीं छूते, गले लगते हैं।
लो बेटा ये कंगन पहन लो। लो भाई मेरी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई, अब तुम जानो और रोहित जाने। लेकिन आंटी, नहीं बेटा, आंटी नहीं, मां बोलो, क्यों मां? जी? तेरा सरदार किधर है? सरदार तो हो रहा ये नहीं रे, तेरा वो हीरो चिकना। वो यही कहीं होगा। निशा, निशा इधर आओ। जी सपना कहाँ है? यही कहीं होगी। यहाँ नहीं है, अपने कमरे में होगी। बुलाओ उसे। रहने दीजिए ना। बुलाओ उसे। सपना, सपना, समझ लो रोहित, ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। इतना प्यार, इतना अपनापन, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते। अब तो आ गया हूँ, अब तो तुम चाहो तो भी मैं तुम्हारी जिंदगी से निकलने नहीं वाला। तुम्हें तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे किताब जाने मिली नहीं। क्या हुआ सपना, कहाँ है? जी सपना कहाँ है? अपने कमरे में है। तो बुलाओ उसे। सो रही है। अच्छा क्या बात करनी है आपको उसके साथ? सुबह कर लीजिए ना। सामने से हटो। वो अभी अभी तो सोई है, सोने दीजिए ना उसे प्लीज। सुनिए तो, बच्ची है, थक गई होगी, सोने दीजिए ना उसे। सुनिए तो, पेपर में बाबूजी के बारे में ऐसा छपा है। रमन जी, आप ढूंढ रहे थे मुझे? नहीं, बोलती बंद हो गई। क्या? वो बोलती बंद हो गई थी ना स्पीकर की उसी को ठीक करने गया था। एक्चुअली थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। क्या यू सी द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द ह्यूमन ऑडिटोरी रिसेप्शन व्हिच फेवर द बोन्स ऑफ द हैमर एंड विल इन द स्टिरअप लिंक विद द हाइपोथैलेमस ऑन द अदर साइड ऑफ द सेरेबेलम इंटरपोज विद द सेरेब्रम बट जक्स्टपोज विद द अल्फा लेवल्स ऑफ द सोनिक वेव्स एंड मास ऑफ अ गैदरिंग व्हिच इज डायगोनली अपोजिंग द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ज्योमेट्रिक कॉलरी ऑफ द बीटा फ्रीक्वेंसीज वाज कंप्लीटली एंड सेवियरली एंड टोटली टर्मिनेटेड। क्या? तार निकल गया था, उसी को ठीक करने गया था। अब सब कुछ फर्स्ट क्लास सुनाई दे रहा है। समझ गया मैं। या के ड्रम बजाओ। आओ चलो।
ये क्या कह रही हैं आप भाभी? आप ही तो हमेशा कहती थी कि एक दिन मेरा राजकुमार आएगा और पिंजरा खोल के मुझे खुले आसमान में लेकर जाएगा। और अब जब मुझे मेरे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया है तो आप ऐसा कह रही हैं भाभी? अगर आपको मालूम होता कि रोहित ने इन कुछ दिनों में मुझे इतना कुछ दिया है तो आप ऐसा कभी ना कहती। इन चार दीवारी के बाहर की दुनिया इतनी खूबसूरत हो सकती है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये देखिए भाभी, ये कंगन रोहित की मम्मी ने खुद अपने हाथों से मुझे पहनाए है। उनसे मिलकर मुझे पहली बार महसूस हुआ कि माँ का प्यार क्या होता है, घर की खुशी क्या होती है। पहली बार मैंने इतने छोटे से घर में इतने बड़े लोगों को देखा है। लेकिन इस बड़े घर में सब लोग बड़े नहीं है सपना, तू भूल रही है। हम इस घर में अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मत कहिए भाभी, रोहित से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब तक तो मैं सिर्फ सांस ले रही थी, जीना तो मैंने अब से शुरू किया है रोहित के साथ। आई अंकल। कैसी बेटा? ठीक हूँ। अबे गफूर, अबे तेरे भी यार, यारों वाली बात की है तूने। मुझे मालूम था कि तू जरूर आएगा, लेकिन इतने जल्दी आ जाएगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अबे यारों का यार हूँ मैं, और जिंदगी में पहली बार तेरी बलूस खोपड़ी में कोई ढंग की बात आई। नमस्ते। इससे पहले कि तू दोबारा कुछ सोचे, मैं अपनी फौज लेके पहुंच गया यार। भाभी जी, इसे कल भी मुझ पर भरोसा नहीं था, आज भी भरोसा नहीं है। आप अपने पति को लंदन ले जाइए, सिडनी ले जाइए, लेकिन रहेगा देसी लंगूर का लंगूर ये। हाँ। इनकी छोड़िए भाई साहब, पहले ये बताइए हमारे बेटी को कहाँ छुपा के रखा? हाँ, है कपड़ा कहाँ जाएगी भाभी? अंदर है, रात के फंक्शन की तैयारी करी। शाबाश। कितने अच्छे संस्कार दिए हैं आपने, रहा विदेश में लेकिन है हिंदुस्तानी का हिंदुस्तानी। एक बात तो बता सु, इतना अच्छा समझदार लड़का तो जैसे उल्लू के घर में पैदा कैसे हो गया? अरे ये तो अच्छा हुआ कि मेरे घर पैदा हुआ, तेरे घर पैदा होता तो उल्लू का उल्लू ही रहता। अच्छा, अब यारों की तरह यही बाहर खड़ा रखेगा या समझी की तरह अंदर भी ले जाएगा? अरे भाई, लड़की का रिश्ता करने के लिए बुलाया है तो रिश्तेदारी तो निभानी पड़ेगी ना। देखो सही, मेरी खातिर का इंतजाम किया है। आ जा, आ जा, आ जा। दोस्तों, आप सब ने यहां आकर जिस उत्साह से, जिस धूमधाम से नवरात्रि की ये नौ रातें हमारे साथ गुजारी हैं, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मां अंबे की कृपा से आज मैं आपको एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा कि यह पावन मौका और भी पावन हो जाएगा। सपना, यहां बेटी। दोस्तों, ये साहब जो है ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, हस्सू पटेल, और ये नौजवान इनका इकलौता बेटा ऋषभ। मां अंबे के आशीर्वाद से आज मैं आप सबके सामने अपनी बेटी सपना और ऋषभ की सगाई का ऐलान करता हूं।
कि पिंजरा खुल चुका है रोहित और मुझे सिर्फ उड़ना सीखना है। तुम्हारे साथ रहकर मैं उड़ना सीख गई हूँ और अब मैं उस पिंजरे में वापस नहीं जाऊंगी। हमें जितने जल्दी हो सके यहाँ से दूर जाना होगा रोहित। वो लोग मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन सपना प्लीज रोहित प्लीज। तू टेंशन मत ले और एक बार ट्राई कर, ट्राई कर, ट्राई कर, लगा लगा। हेलो 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 सपना सपना, मैं रोहित बोल रहा हूं। हेलो हेलो सपना, तुम सुन रही हो ना? हेलो की होया? उसने फोन रख दिया यार। कुछ तो गड़बड़ है यार, तेरे पास कॉइन है ना? और हाँ निकाल निकाल जल्दी निकाल। हाँ ये ले रोहित, फिर से फोन लगा। सपना मैं, सपना किसी और की होने वाली है रोहित, उसकी सगाई होने वाली है। हमारे बीच नवरात्रि में जो कुछ भी शुरू हुआ
वो नवरात्रि के साथ ही खत्म हो गया। आज के बाद यहाँ फोन मत करना। क्या हुआ रोहित? क्यों है रोहित? की होया यार? रोहित क्या बोली? कैसे कभी ये तो बता। रोहित 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 समझती क्या अपने को? और तू जा कहाँ रहा है? ऐसे कैसे सब कुछ खत्म कर सकती है वो? रोहित रोहित वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। सपना मेरी है और मैं उसे किसी और की होने नहीं दूंगा। रोहित छोड़ो मुझे। रोहित सुन। रोहित सपना ने ये कंगन लौटाने के लिए कहा है। क्यों? शौक पूरा हो गया उसका या फिर हीरे का कंगन मिल गया पहनने को? रोहित कहाँ जा रहे हो? रोहित उसे बताने के लिए कि मैं उसके अमीर बाप का खरीदा हुआ खिलौना नहीं हूँ जिसे वो जब चाहे तोड़ सकती है। रोहित प्लीज। अगर उसे इनकार करना है तो मेरे सामने करना पड़ेगा। रोहित मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलना पड़ेगा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। वो तुमसे बहुत प्यार करती है रोहित, बहुत प्यार करती है वो तुमसे, इतना कि तुम पर एक खरोच भी नहीं आने देना चाहती वो। अगर इस वक्त तुम्हारे प्यार की खबर उन लोगों तक पहुंच गई तो वो कुत्ते की मौत मार डालेंगे तुम्हें। तुमसे दूर होकर वो तुम्हें बचाना चाहती है रोहित। सपना ये शादी अपनी खुशी से नहीं कर रही है बल्कि तुम्हें जिंदगी देने के लिए खुद को जिंदा लाश में बदलने के लिए तैयार हो गई है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ रोहित। सपना को भूल जाओ, भूल जाओ उसे। किसी में तुम दोनों की भलाई है। तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है। अजब है प्यार की राहें, मगर जो प्यार करे
अरे okay. प्रताप आप मेरे बहुत खिंचवाली फोटो है, अब एक तो फोटो हमारे साथ भी खिंचवा ले यार। अरे भाई तेरे साथ फोटो खिंचवाने में तो हमारी शान बढ़ती है। आई आई रमन कहा भाई, अरे गफूर आओ भैया, आ जाओ सब लेना, सब क्या नहीं चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ सपना, सपना कहा है? जी वो अपने कमरे में होगी। हाँ। मैं अभी बुला कर लाती हूँ। नहीं नहीं मैं देखता हूँ। तैयार हो रही है। सपना जल्दी करो, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। सपना सपना दरवाजा खोलो, सपना मैं बोल रहा हूं दरवाजा खोलो, सपना 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 दरवाजा खोलो। तुझे छोड़ूंगा नहीं कानिया पठान। जल्दी पैक करो यार। ओ यारो ओ बेक हुए, ओ यो सांड की शक्ल पे अचानक 12 क्यों बज गए हुए? वो तो बजेंगे बाबा, बात ही कुछ ऐसी। नक्की कायतरी लफड़े दल है, वरना वो उसके बाप को साइड में क्यों ले जाता यार। साइड पे तो लेके जाना पड़ेगा बाबा। केवल भैया ही नहीं पिताश्री भी क्रोधित हो रहे हैं, न जाने क्या होगा। होगा क्या, अब दोनों समधी जी के पास जाएंगे, रिश्ता ही कुछ ऐसा है। ये वो ढोलक लाल को देखना, गुस्से में क्या लालम लाल हो रहा है। वो तो होगा बाबा, सगी बेटी का सवाल है ना। मतलब? मैंने रूम का कांच तोड़ के सपना को अपने साथ भगा लिया है। की? और रोहित ने वीडियो निकाला है क्या? वीडियो निकाले चक्रांत नाम है। रोहित तूने ये क्या किया? अरे भैया बहन जी आने का दाशील है। अरे भाई लोग एक मिनट संयम रखो। अब फिर किधर जा रहा है तू? अबे इतना अच्छा डांस फ्री में क्या क्या? पैसे मांगने जा रहा हूँ और क्या? अरे तू शेर के पूंछ में आग लगा के शेर के सिर में अपना मुंह डालने को जा रहा है? हाँ वरना उससे हम पर शक हो सकता है यार। अरे बाबा एक माजा पतले गली से निकल चलते हैं चल। अरे बाबा समझाना पड़ेगा। देखो सपना की उनकी आंखों के सामने गायब हो जाने के बाद अगर हम लोग उनकी आंखों के सामने आ गए तो उनकी आंखें हमारी आंखों के सामने सामने धोखा खा जाएंगी। अब तुम लोग यहां पर ठहरो, मैं उनकी आंखों में धूल झोंक के आता हूं। अरे एक एक आदमी को मार दो उसके, साला सपना पे हाथ डाला है, शहर को आग लगा दो। मेरी बहन चचा चचा मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना डैड नहीं मानते, गोली मार दे उसको। क्या है? नहीं सर वो हमारे पैसे सर। कौन से पैसे सर? अभी अभी आपका बैंड बजा है सर। क्या बोला? नहीं सर वो शो आइटम सॉन्ग गाना नाच वाच किया ना सर। अरे मुझे इस पैसा देना, इसका मुंह पे मार साले के। ए भाई चल ना चल, मैं देता हूँ तेरे पैसे चल। चचा मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, मेहमान है घर में। रमन जी क्या है? थैंक यू। अरे ठीक है यार ठीक है, ये बैंड वासा चलना अभी निकल। हे आचार्य सोच ले पंगा ना हो जाए, वो नैनसुख साला तेरा रूममेट कम है, वार्डन का चमचा ज्यादा है। सैंडी नैनसुख की नैनों का सुख उसकी चश्मों में, नो चश्मा नो डेंजर। देख चल आगे चल। आज
When the saints go marching. Hello, boys. Hello, hello sir. कहाँ से आ रहे हो? पिक्चर से, पिक्चर से, पिक्चर, पिक्चर, लेट नाइट मूवी. कौन सी पिक्चर थी? हम साथ साथ हैं. हम साथ साथ हैं. हम साथ साथ हैं. ओके, नाइस मूवी. कैन आई गो? यस सर, ऑफ कोर्स सर. सो stupid boy, sir. Sorry, sir. Sorry. Stupid boy, sir. Sorry, sir. लगता है आप लोगों पर फिल्म का काफी गहरा असर पड़ा है. काफी साथ साथ है. Always, always, always. And when the saints. Good night, sir. Good night, sir. Good night. Sweet dreams. क्या 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 बहुत बुरा सपना देखा रोहित, बहुत बुरा. क्या बात कर रहा है यार, सपना कैसे देख सकता है तू? तेरे चश्मे तो यहाँ है, देख. ये बात तो है. उसे मालूम होगा, घूमते रहता है. नहीं तो वो घास गली के सुलेमान से बात कर, वो साला खबरिया मुंबई में. नहीं तो चाकू वाला चाल का वहीं तक लेना, टैक्सी वाला. आजकल साला रिटायर हो गया, देखो यहाँ मुंबई के चप्पे चप्पे की खबर है. साहब, पायदनी से बाबू का फोन आया था, वहां से भी कुछ मालूम नहीं पड़ा. इतने सालों तक हमारी भीड़ पर पल कर पड़ा हुआ है तू, और आज साले जब हमें तेरी जरूरत है तो नारी मर गई तेरी. साले मना कर रहा है तू. किसको मना कर रहा है तू? दुलक्का को. साले तेरी तेरी हिम्मत कैसे हुई? बता बता बता. प्रताप, रमन का फोन आया था, सपने का अभी तक कुछ पता नहीं चला. डोंट वरी किताब, सब ठीक हो जाएगा. अरे बाबा, रात तो निकल गई,
पर ड्यूसा से का है ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है अबे रात के अंधेरे में तो हमने इसे किसी तरह छुपा लिया दिन के उजाले का क्या करे हैं देख ठोक के वहां में लड़के लड़के घूम रहे और किसी ने उसे देख लिया ना तो बात सीधी प्रिंसिपल तक पहुंच जाएगी एक मिनट मैं तो बोलता हूँ उसे किसी तरह यहाँ से निकाल के ले चलते हैं मेरे अंकल का फार्म हाउस है यहाँ से 10 किलोमीटर पर किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कैसी बातें कर रहा है यार ढोलकिया की बेटी रात भर से गायब है अब तक तो पूरे शहर में अपने आदमी फैला दी होंगे उसने हाथ में बंदूक लेकर हर घर में तलाशी ले रहे होंगे वो लोग सिर्फ ये बॉयज हॉस्टल है जिसके बारे में वो लोग सोच भी नहीं सकते हाँ यार रखना तो सपना को यहीं पड़ेगा और उस हकीकत का क्या है जो इस वक्त सपना के साथ है नैन सुख नैन सुख अरे वो आंखों वाला अंधा तो कभी भी बजरंग बली बोल के खड़ा हो जाएगा या जय बजरंग बली चश्मा रोहित रोहित उठ यार मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है तूने देखा कहीं मालूम है एक तो मुझे रात भर नींद नहीं आई अजीब अजीब सपने सुनाई दे रहे थे कभी कोई गा रहा है कभी कोई फुसफुसा रहा है मुझे ऐसा लगा मैं बिना चश्मे के सिनेमा हॉल में पिक्चर देख रहा हूँ बैठना यार मेरा चश्मा कहाँ है रोहित रोहित ये क्या हो रहा है तू गूंगा हो गया है मैं अंधा हो गया हूँ अरे तू बोलेगा नहीं तो मैं देखूंगा कैसे रोहित मेरा चश्मा लगे हाथ पानी पी लेता हूँ पूछ के लाए था वो से यहाँ अगर हमारी नजर ना पड़ती तो वो तो हमको बताने वाला भी नहीं था हाँ हाँ सही कह रहा है अरे मैंने तो पहले ही बोला था मीटिंग बुलाने की जरूरत ही नहीं थी मैं तो कहता हूँ कि सीधे से जाके प्रिंसिपल को रिपोर्ट करते हैं कि वो उस ढोलकिया को फोन लगाए और उसके बाद वो ढोलकिया जाने या फिर ये रोहित हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है इज राइट मैं मानता हूं कि आप लोगों से पूछे बिना मैंने एक कदम उठाया है अपने दोस्त नैन्सो को भी धोखा दिया है मैंने पर उस वक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं था शायद मुझे सपना को यहां पर नहीं लेकर आना चाहिए था पर मैं क्या करता मैं जानता हूं कि शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर उनके आदमी होंगे और इस शहर में मेरा घर मेरा परिवार सिर्फ आप लोग हैं ऐसे में कहां जाता मैं उसके साथ अरे इसकी बातों में मत आना ये हमें फिर से बेवकूफ बना रहा है यानी ऐश करेगा तू और गोली तेरा परिवार खाए अरे टाइम आने पे तू तो निकल जाएगा और मारे जाएंगे हम लोग हम इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते अरे लेके जाए इस मुसीबत को यहां से
आप लोग ठीक कह रहे हो, मैं सचमुच एक मुसीबत ही हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैं सब लोगों के लिए सिर्फ एक मुसीबत ही बनकर रही हूँ। जिस घर में पैदा हुई, पहले उस घर में मुसीबत बन गई मैं। माँ का चेहरा तो कभी देखा ही नहीं, पर पापा को मेरे लिए संभाल के रखना एक मुसीबत बन गया। बड़ी हो गई तो भैया के लिए मुसीबत बन गई, खुद खुद के मरना चाहा भाभी के लिए मुसीबत बन गई, और आज खुलकर जीना चाहती हूं रोहित के लिए मुसीबत बन गई। और आज रोहित की जान बचाने के लिए तुम लोगों पर मुसीबत बन गई हूं मैं। अगर कुछ बंदूक वाले गुंडे एक भोली भाली और मासूम लड़की के पीछे पड़ जाए तो वो पहले अपने घर की तरफ दौड़ती है, पर मेरे घर वाले ही बंदूक लेकर मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं कहां जाऊं? मेरे घर वाले मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरे सामने ही मेरे प्यार को गोली से मार देंगे। आप लोगों से मैं अपनी नहीं, आपके रोहित की जान मांग रही हूं। हम लोग जीने की कोशिश करना चाहते हैं, क्या इस कोशिश में आप लोग हमारा साथ देंगे? रोहित, मैं तेरे साथ हूं। हम तुम्हारे साथ हैं रोहित, हम सब तुम्हारे साथ हैं रोहित, हम तुम्हारे साथ हैं रोहित, हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं रोहित, हम तुम्हारे साथ हैं। रोहित, आई एम सॉरी यार, मुझे माफ कर दे, और आइंदा मेरा चश्मा निकाला ना, सस्पेंड करवा दूंगा कॉलेज से। Thank you.
you a great life. I want you to be my wife. I promise you a great life. I want you to be my wife. Wish you
पठान कभी पुरके के पीछे छिप कर वार नहीं करता ढोलकिया, तू जानता है मैंने आज तक जो कुछ भी किया है सीना ठोक के किया है। मैं जानता हूं मेरे सबसे बड़े दुश्मन की जान उसकी बेटी में अटकी है, मगर अफसोस तेरी जान इस वक्त मेरे कब्जे में नहीं है। पहले भी एक बार तूने उस पर वार किया था, अब मैं कैसे मान लूं कि यह काम तेरा नहीं? क्योंकि मानने के सिवा तेरे पास और कोई चारा ही नहीं है। देख ढोलकिया, मैं यहां अपनी बेगुनाही साबित करने नहीं आया, बल्कि तुझे ये बताने आया हूं कि अगर तेरी बेटी मेरे कब्जे में होती तो ये मीटिंग तू नहीं मैं बुलाता। अपनी जगह पर, अपने ठिकाने पर, और तब तुझसे मैं वो सारी शर्तें मनवाता जिसकी वजह से पिछले 20 सालों से हम दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है। समझा ढोलकिया, हमारे धंधे में हम दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों की खबर रखते हैं। मैं तो क्या, अंडरवर्ल्ड के तेरे किसी भी दुश्मन ने यह काम नहीं किया है। तो फिर कहां है वो? दूसरों का घर चलाने के बजाय अपने घर में झांक कर देख ढोलकिया, तुझ पे ये वार तेरे किसी पुराने दुश्मन ने नहीं किया है, बल्कि कोई नया दुश्मन पैदा कर लिया है तूने। प्रताप, अपने घर के टेलीफोन बिल्स के डिटेल्स हैं। पिछले एक महीने में हमारे घर से जितने फोन किए गए या जितने फोन यहाँ आए, सबका रिकॉर्ड है इसमें। सारे नंबर जाने पहचाने हैं सिवाय एक नंबर के। नवरात्रि के दिन से सगाई के दिन तक इस एक नंबर का लगातार इस्तेमाल हुआ है। नंबर क्या है? हसन है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कहाँ है सर? मुझे नहीं मालूम सर। रोहित कहाँ है? रोहित कहाँ है? पता नहीं। रोहित कहाँ है? कहाँ है रोहित? मैं यहाँ हूँ। अपने आप को बहुत होशियार समझता है तू। तू समझता है कि रमन की बहन को भगा ले जाएगा। बोल, कहाँ है मेरी बहन? कहाँ है मेरी बहन? कहाँ है मेरी बहन? सपना कहाँ है? यहाँ। साले यहीं से उखाड़ के फेंक दूंगा मैं। मुझे कोई भगा कर नहीं लाया भैया, मैं खुद ही अपनी मर्जी से आई हूँ। तू गाड़ी में बैठ भैया। तू गाड़ी में बैठ भैया। मेरी बात तो सुनो। तू गाड़ी में बैठती है या? सपना को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा तेरा। भूल दो साले को। Thank you.
तुम्हारी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन इनके सीने पीछे नहीं हटेंगे। कितने आदमी मारोगे तुम? दो, चार, छः, दस। उसके बाद मरना तो तुम्हें भी पड़ेगा। कोई नहीं मरेगा। बंदूक नीचे करो, नीचे करो बंदूक। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात किए बिना यहां आने की? लेकिन पापा। शट अप। जाओ जाकर गाड़ी में बैठो रमन, जाओ। आप सब भी शांत हो जाइए। अपने बेटे की तरफ से मैं आप सब से माफी मांगता हूं। खून खराबे की जरूरत नहीं है, मैं माफी मांगता हूं आप सब से। इतना सा भी भरोसा नहीं रहा अपने बाप पर? एक बार तो मुझसे अपने दिल की बात कहकर देखी तो होती बेटी। समझता हूं बेटी, तेरे इस डर में एक बाप की हार छिपी हुई है। तेरा कोई कसूर नहीं, शायद मेरे ही प्यार में कोई कमी रह गई होगी। इस लड़के से अच्छा दामाद मुझे मिल ही नहीं सकता। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि सपना की शादी रोहित से होगी। मेरी अगर एक बात मानोगे तो एहसान होगा मुझ पर बेटा। हर बाप की तरह मेरा भी अरमान है कि मेरी बेटी की डोली मेरी ही चौखट से उठे। अपने हाथों से इसका कन्यादान करके धूमधाम से तुम्हारे साथ इसे विदा करना चाहता हूं। मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो बेटा। आप क्या कर रहे हैं सर? जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा सर। चलो बेटी घर चलो, शादी की तैयारी करनी है। पूरी हो गई। क्या हुआ? मैं सोच भी नहीं सकती थी भाभी की जो कुछ भी मैंने चाहा मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगा। तू बताएगी भी क्या हुआ? पता है रोहित हमारे घर बारात लेकर आएगा, मेरे हाथों में मेहंदी लगेगी भाभी। वो सबके सामने मेरी मांग में सिंदूर भर के मुझे हमेशा के लिए यहाँ से अपने साथ लेकर जाएगा भाभी। भाभी पापा ने दुनिया भर की खुशियाँ मेरी झोली में रख दी है। आज मैंने समझा कि मेरे पापा भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना दुनिया भर के पापा अपनी बेटियों से करते हैं। बस कर सपना, बस कर। तू सच बात तो ये है कि तूने कभी अपने पापा को ठीक से समझा ही नहीं। धोखा दिया है उन्होंने तुझे, फरेब किया उन्होंने तेरे साथ, साजिश की उन्होंने तुम दोनों के खिलाफ, झूठ बोला है उन्होंने तुमसे और रोहित से ताकि बिना कोई तमाशा किए वो तुझे वापस इस घर में ले आ सके। ये नहीं हो सकता भाभी। ये हो चुका है सपना, तेरे पापा और तेरे भैया में कोई फर्क नहीं है। उन दोनों को सिर्फ अपनी झूठी शान प्यारी है, अपनी इज्जत प्यारी है, और इस शान की खातिर वो अपनी बेटी की खुशियों का गला भी घोट सकते हैं। ये सब झूठ है भाभी, ये सच है सपना। पापा, पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते पापा। इतना बड़ा धोखा अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकते पापा। मैं रोहित के बगैर मर जाऊंगी पापा। मुझे रोहित से अलग मत कीजिए प्लीज पापा। भैया मैंने हमेशा आपकी बात मानी है,
मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया भाई, प्लीज मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार अपनी खुशियां मांग रही हूँ, प्लीज इनकार मत कीजिए भैया, प्लीज। गबू चाचा, आपने तो मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है, आप पापा के सबसे अच्छे दोस्त हैं, आज तक उन्होंने आपकी कोई बात नहीं डाली, तो आप ही उन्हें समझाइए ना, समझाइए उन्हें कि रोहित मेरी जिंदगी है और मुझसे मेरी जिंदगी जीने की कोशिश ना करे। जिंदगी मैं तेरी नहीं रोहित की छीनूंगा, अगर आज के बाद उसका नाम भी तेरी जबान पे आया तो टुकड़े कर दूंगा उसके। अब जाओ कमरे में जाके सामान पैक करो, लंदन जा रही हो तुम आजाद को लक्ष्मी बुआ के पास। प्रताप, इन्होंने तो कहा था कि अब घर पे मिलना चाहते हैं, तो फिर यहां तो जैसे धोखेबाज को घर पे बुलाया नहीं जाता, जो धोखा देकर घर में घुस जाता है। तूने क्या समझा था कि तू मेरी चौखट से मेरी बेटी को डोली में बिठाकर ले जाएगा और मैं एक मजबूर बाप की तरह फूल बरसाता रहूंगा? मैंने तुझे अपने सामने बिठाया, इज्जत दी, प्यार दिया, भरोसा किया तुझ पर, और तूने मेरे साथ क्या किया? विश्वासघात, विश्वासघात, विश्वासघात। और बदले में आप क्या कर रहे हैं सर? मैंने भी तो आपकी बातों पर भरोसा करके सपना को आपके साथ भेजा था, और आपने तू होता कौन उसे मेरे साथ भेजने या ना भेजने वाला? और रही बात धोखे की, तो मैं किसी का हिसाब अपने पास नहीं रखता। तूने सपना के लिए मुझे धोखा दिया और मैं तुझे धोखा देकर उसे वापस ले आया। आज भी मैंने तेरा एक हिसाब चुकाने के लिए तुझे यहां बुलाया है। एक बार तूने मेरी बेटी की जान बचाई थी, आज मैं तेरी जान बचाता हूं। जा, मैं तुझे जीने का एक मौका और देता हूं, चला जा यहां से, हमेशा के लिए चला जा। और एक बात अच्छी तरह से सुन ले, अपनी बेटी को तो मैं सिर्फ इस देश से दूर भेज रहा हूं, मगर आज के बाद सपना का नाम भी तेरी जुबान पे आया तो मैं तुझे जिंदगी से दूर भेज दूंगा, ये मेरा वादा है तुझसे। आपके चिल्लाने में एक बाप की कमजोरी की बू आ रही है ढोलकिया साहब, माफ कीजिए, पर आपने मुझे यहां पर मेरी जान बख्शने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि अब भी मुझसे अपनी बेटी वापस मांग रहे हैं आप। उस दिन झूठ बोल के सपना को तो अपने साथ ले गए आप, पर आपकी बेटी मेरे पास ही रह गई। जब उसे डरा धमका कर उसके दिल से मुझे नहीं निकाल सके तो मेरे पास आ गए ताकि मैं खुद उसके रास्ते से हट जाऊं। आप कॉलेज में भी भीख मांगते हुए आए थे और अब भी मेरे सामने भीख मांग रहे हैं आप, पर आप हाथ उठाएं या हाथ फैलाएं, मैं अपना प्यार आपकी झोली में नहीं डाल सकता, क्योंकि अब इसके सिवा मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। और रही बात सपना को यहां से दूर भेजने की, तो एक बात अच्छी तरह से सुन लीजिए ढोलकिया साहब, सपना मेरी होने वाली पत्नी है, और मेरी होने वाली पत्नी को इस देश से तो क्या, इस शहर की हद से बाहर नहीं ले जा पाएंगे आप,
और ये मेरा वादा नहीं, मेरा दावा है आपसे। काश तूने मेरी बात मान ली होती। इस एक थप्पड़ से तेरा हिसाब पूरा नहीं होगा, तेरी एक एक सांस को हिसाब देना पड़ेगा। हेलो। मार दिया साले को, बस उसकी लाश को ठिकाने लगाना बाकी है। ये काम बहुत ठीक से करना रमन, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने रोहित को जान से मार दिया है।
कहते हैं कि जब बच्चे की जिद बाप पूरी ना कर सके तो वो अपनी माँ के पास चला जाता है। इस घर में आपने माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी, पर आज मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने माँ के पास चले जाऊं। किसी ने चैन से जागने नहीं दिया कभी, शायद इसलिए मैं चैन की नींद सोने जा रही हूँ। मुझे खुशी है कि इसके लिए मुझे किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी।
चुकी है रोहित, मुझे लगा तुम मैं जा रही हूं। तुम मेरा साथ छोड़कर कहीं नहीं जाओगी सपना, आज नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं। पागल है साले, पागल है तू। अगर इसके लिए मरना चाहती है तो मर, लेकिन ये भी तेरे साथ जाएगा। मौत का खेल खेलते हुए अपनी जीत पर खुश होते रहे आप, आज आपकी अपनी बेटी इस खेल में आपको मात देकर हमेशा के लिए चली गई। जिंदगी भर आपके बनाए इस पिंजरे में चुपचाप पड़ी रही वो, कभी माथे पर शिकन तक नहीं आने दी उसने, और आप उसकी इस खामोशी को अपने प्यार का मेडल समझकर शान से घूमते रहे। चंद सांसें उसने अपनी मर्जी से लेनी चाहिए तो आपने उससे उसकी सांसें ही छीन ली। जिंदगी का हाथ पकड़कर उसने आगे बढ़ना चाहा तो आपने उससे उसकी जिंदगी छीन ली। नहीं ढोलकिया साहब, आपकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की है, खून किया है आपने उसका। Yeah!
मिस्टर ढोलकिया, अंदर जाकर आप अपनी बेटी से मिल सकते हैं। शी इज ऑल राइट नाउ। Thank you.